हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील। वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जो बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे मेजर पॉइंट आपको बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ही पॉइंट में कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट होते क्या हैं और क्या हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट। तो मेजरली बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट उन्हें बोलते हैं जो बैंक निफ्टी में आने वाले कंपनीज को हम कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में 12 कंपनीज हैं, 12 स्टॉक्स हैं, उन्हीं को हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट बोलते हैं। तो मेजर में पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिएगा। पूरे वेटेज को बताऊंगा कि किन कंपनी का कितना वेटेज होता है, कौन सी कंपनी को आपको वॉच करना है, HDFC, ICICI, कौन सी बैंक का जो है इस पे मेजर रोल होता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब इतना ही है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के रोल जो है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन कंपनी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए और उन कंपनी के जो कंपोनेंट हैं, जो मेन हैं, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। हैं तो 12 को फॉलो कर, 12 हैं, लेकिन उनमें जिनके मेन वेटेज हैं वो आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो जिससे आपको चीजें और भी बेहतर क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपकी एक्यूरेसी, हर चीज, आप अपने ट्रेड को काफी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, ये चीजें वॉच आउट करके कि अगर बैंक निफ्टी के फेवर में, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट बैंक निफ्टी के फेवर में चल रहे हैं। जैसे बैंक निफ्टी सपोज डाउन साइड चल रहा है तो उसके साथ साथ कौन कौन से बैंकिंग सेक्टर जो है डाउन साइड में चल रहे हैं, तो उस चीज को आप अगर कैप्चर आउट करते हैं तो आप अपने ट्रेड से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपने ट्रेड को काफी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, ध्यान से चीजों को सुनिएगा, एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे फर्स्ट है HDFC, HDFC बैंक, और सेकेंड है ICICI बैंक, और थर्ड है कोटक, इसको आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अभी मैं इसके वेटेज बताऊंगा कि किस बैंक के कितना वेटेज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करना है। एक्सिस बैंक, जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, और पांचवें नंबर पे है SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पांच बैंक हो गए जिन्हें आपको वॉच आउट करना है। वेटेज आप लिख लीजिए, इसका वेटेज बैंक निफ्टी पे 33% का है, 33% समथिंग, और इसका वेटेज जो है वो 26% का वेटेज है, और इसका 13% का है, और इसका 11% का है, और SBI का 3% का वेटेज है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आपको ट्रैक क्या करना है, ध्यान से चीजों को सुनिएगा, अब आपको ट्रैक क्या करना है वो सारी चीजें, अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हो तो मैं इसको डिलीट करूंगा। आपको सिर्फ ट्रैक ये करना है कि मान लीजिए सपोज बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो इसके साथ देखिए, अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक और एक बैंक और कोई, अगर इसी के फेवर में ICICI बैंक इसी के फेवर में और SBI ले लीजिए या एक बैंक और कोई ले लीजिए, अगर तीनों बैंक भी डाउन साइड का मोमेंटम कर रहे हैं तो यकीन जानिए ये जो मोमेंटम होगा ये बहुत बड़ा मोमेंटम होगा और बहुत तेज मोमेंटम होगा। देखिए, ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम की जरूरत होती है क्योंकि थीटा उनके अगेंस्ट में चलता है। तो जब भी आप मोमेंटम को कैप्चर करेंगे तो आपके प्रीमियम में स्पाइक लगते रहेंगे और आपका प्रीमियम जो है सडन बहुत तेजी से बढ़ेंगे और गामा भी आपके फेवर में आ जाएगा।
इस तरीके से आप चीजों को एक बड़े प्रॉफिट के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको वॉच आउट करना है? आपको वॉच आउट करना है कि बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, तो HDFC, ICICI और SBI और तीनों में से कोई भी एक बैंक इसके फेवर में है, तो यकीन जानिए कि मोमेंटम आपको बहुत तेज करने वाला है। सेम एज अप साइड में, अगर अप साइड का बैंक निफ्टी मोमेंटम दिखा रहा है तो आपको वॉच आउट करना है कि HDFC, ICICI और इसके साथ एक बैंक या कोटक हो, SBI हो, कोई भी इसके फेवर में है, तो यकीन जानिए ये मोमेंटम जो होगा बहुत तेज होगा अप साइड में, तो इसको आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा पैसा अर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी चीजें, तो आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे आप अपनी पकड़ बना लेंगे, तो यहां से पैसा आप इजी कमा सकते हैं और आपको ट्रेड भी पता चल जाएगा कब हमें ट्रेड को इग्नोर करना है। देखिए, जब सबसे मेजर पॉइंट की कब आपको ट्रेड इग्नोर करना, मान लीजिए बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम जनरेट कर रहा है और HDFC एक रेंज में फंसा है या अपसाइड थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जा रहा है और दो तीन बैंक डाउन साइड जा रहे हैं, तो ये मोमेंटम जो है ना, ये मोमेंटम बहुत स्लो होगा, तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करेंगे, कुछ दिन आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, तो एक अच्छा खासा पैसा आप यहां से अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करिए, यकीन जानिए आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिलने वाली है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस देखना है कि बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में जा रही है, क्या आप बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट हैं जिनके वेटेज मैंने आपको बताए, वो वेटेज क्या उनमें दो बैंक या तीन बैंक उसी फेवर में है, तो वहां से आपको एक अच्छा पैसा, बड़ा पैसा बनने वाला है। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो मोमेंटम को आपको देखना है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट, देखिए सेलर को बेनिफिट होता है मार्केट जहां इस तरीके से करके जाए और जहां इस तरीके से करके जाए, उनको पैसा बनना ही बनना है, जहां क्योंकि साइडवेज करके डाउन साइड जाए, उनका डायरेक्शन सही रहेगा तब भी वो पैसा उनको अच्छा खासा बनेगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, आपका डायरेक्शन सही है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर गई तो आपका पैसा यहां पे बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे आपकी एक पैनी नजर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।